सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है यार आपका फिर एक नई वीडियो पे। तो हम फिर से लेके आ गए हैं एक और नई वीडियो। तो जैसे कि तुम्हें बताया था, हमने हमने 13 चैप्टर जो है फर्स्ट पार्ट में ही छोड़ दिया था। तो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और हम यहाँ से आज एस्ली को निकालने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही है, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, बट हमको यहाँ पे एक की कार्ड की ज़रूरत थी जिसको अभी हमें ढूंढना बाकी है। तो हम यहीं से इसको रीस्टार्ट करने वाले हैं एज अ पार्ट 2। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें पहले यहाँ से निकल रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हमें की कार्ड मिलेगा कहाँ। तो अभी यहाँ पे यार बहुत सारे एनिमीज़ वगैरह है और आई थिंक हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ओके, तो ये जगह जो है लॉक्ड है पूरी की पूरी। और अभी एक यहाँ पे एक डोर है और इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये भी लॉक्ड है। अभी ऊपर चलना पड़ेगा, यहीं पे सिर्फ एक रास्ता बाकी है जहाँ पे हम ऊपर जा सकते थे। और अपने पहले एमओ वगैरह, अपने काम की चीज़ वगैरह लेते हुए चलेंगे। और आई थिंक ये ओके, तो हमको एक डोर मिला है खुला हुआ यहाँ पे। ओ, थोड़ी छुप छुप के चलते हैं, इनको देख ना ले। इसने आखिर में देख ही लिया। ओ, बच गए बच गए बच गए। अब क्या मारेगा तेरी तो। ये अभी भी जिंदा है, ये बनने वाला था। बच गया बच गया। तेरी तो, तू भी चल नीचे। मर गया मर गया, मेरे ख्याल से मर गया। चलो दोनों मर गए। ओ यहाँ पे एक और है। तेरी तो, तू लात खा। ओ भागो 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 भागो। ये फिर से बन गया, ये कीड़ा बन गया वापस से। गया गया, एमोस वगैरह मिल गई थोड़ा अपने को। और अभी पहले इस तरह अपने काम का चीज़ें सामान ले लेते हैं, एमोस वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे इसे भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो अपने को थोड़ी और एमो मिल चुकी है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जल रही है, आई थिंक ये शायद लॉक है क्या। अभी चेक करना पड़ेगा, पहले एमोस ज़रूरी है थोड़ी सी। नहीं, ये अनलॉक्ड है। थोड़ा बैठ बैठ के चलेंगे नीचे, जैसे कि इनको पता ना चले कि मैं आ चुका हूँ। शायद यहाँ पे है गार्ड्स है यहाँ पे, क्योंकि मुझे साउंड आ रहा है। और अभी चल के जल्दी देखते हैं, आराम आराम से जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आवाज़ आ तो रही है वैसे। अभी यहाँ पे तो मुझे दिखे ही नहीं, बट अंदर हो सकते हैं। यहाँ पे हो, यहाँ पे चूहे देखो यार, चूहे देखो, ये देखो कितने बड़े बड़े चूहे हैं यहाँ पे। ओ तेरी, ये क्या था वो, ये इसके अंदर क्या कर रहा था, ओवन के अंदर। ये पूरा जल गया है अभी। अभी पता नहीं इनके, देखो इनके अंदर भी सेम पैरासाइट है। और यहाँ पे क्या, एक बार देख लेते हैं। वो मुझे ब्लैक मास मिला है, पता नहीं इसका क्या वो है, इससे क्या होगा अभी तो मुझे पता नहीं है वैसे। यहाँ इसके लिए स्पेस नहीं है मेरे पे। तो ये आ गई अपनी फिश, अभी पता नहीं इसका क्या काम है, शायद हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है ट्रेडर, तो यहाँ से कुछ सामान लेते हैं कि अपने काम का यहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो अभी तो यार अपनी ये क्रिस्टल है इसमें नहीं, इसकी पावर अच्छी खासी है, मतलब अच्छी पावर है, बहुत डैमेज बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। और यहाँ पे एक ग्रेनेड लॉन्चर, आई थिंक ये ग्रेनेड लॉन्चर ही है, नहीं ये कुछ और है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं यहीं पर ही, आगे बढ़ते हैं अभी तो। और यहाँ पे एक डोर है, तो ये हम डोर में टच हो चुके हैं। अभी मैप चेक कर लेते हैं, पहले हम जा कर रहे हैं आखिर में, हम तो सीधा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो शायद हमें इस तरफ ही जाना पड़ेगा। ये फ्रीज़र रूम है, यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग वो है। हमको की कार्ड चाहिए, हमको सिर्फ इतना पता है। तो ओके, तो यहाँ के लिए भी हमें की कार्ड चाहिए होगा। और अभी ये पता नहीं कौन सी जगह है। तो यहाँ पे हर एक फ्लोर जो है की कार्ड से ओपन होता है। तो अभी हम अजीब सी इस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कबाड़ा वगाड़ा रखा हुआ है और बहुत सारी मशीनें रखी हुई है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम अजीब से लैब में पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर है। यहाँ पर थोड़ा खून वगैरह पड़ा हुआ है और आवाज़ें आ रही है किसी मॉन्स्टर की।
आई थिंक यहाँ पे हमको मॉन्स्टर देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे कंप्यूटर है जो कि ऑफ है और सारे डोर्स लॉक्ड है। तो यार ये तो ऑफ है, शायद हमको पहले यहाँ पे, यहाँ शायद पावर नहीं है। ओ यहाँ पे एक मॉन्स्टर है वैसे तो, यहाँ कुछ तो है, यहाँ भी कुछ इस तरफ को गया, तुमने शायद देखा होगा, शायद उस तरफ को ही चला गया। पहले यहाँ पे शायद पावर का सोर्स है, इसको पहले ऑन करना पड़ेगा। आई थिंक इससे कुछ हुआ ही नहीं, हमको नेक्स्ट सोर्स देखना पड़ेगा। ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे शायद पावर है, इससे हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओके तो बिंगो, तो यार पावर तो आ चुकी है अभी, और शायद यहाँ पे कोई आवाज़ आई। तो यहाँ पे कुछ लैब की कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, अभी इंस्ट्रक्शन लैब ही है ये। गेट द लेवल थर्ड की कार्ड, तो मैं लेवल थर्ड का की कार्ड चाहिए होगा आई थिंक, या फिर हमें मिल चुका है, आई डोंट नो। अभी एक बारी पहले मैप चेक करते हैं। तो यार यहाँ से एक रास्ता है और जो कि हमारे बिल्कुल पीछे है, शायद इससे हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन तो हो चुका है, बट पहले हमको उस कंप्यूटर को एक्सेस करना पड़ेगा। शायद उस कंप्यूटर में जो अब आ चुका है, देखो कंप्यूटर एकदम डिस्प्ले आ गई है, ऑन हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे शायद कोई कनेक्शन वगैरह करना है, अभी देखते हैं कनेक्शन होगा कैसे। अगर ये अजीब से थोड़े कनेक्शंस वगैरह है इसमें, और ये यहाँ पे भी मेरे को देखते हैं अभी कैसे कैसे करना है इसे। ओके तो हमने एक अजीब सा एक कनेक्शन कर दिया है, जिसके वजह से शायद ये सिस्टम रिस्टोर हो चुका है। और ओके तो सॉरी, ये देखो ये वो पैरासाइट, तुम्हें याद होगा ये हम पहले ही मिल चुका है, स्पाइडर वाला, और मतलब पूरी हालत कर रखी है यार। देखो शायद वो यहीं सब बने थे, और पता नहीं अप्रैल 9 की डॉक्यूमेंट्री जो सब कुछ पड़ी है। और यहाँ भी मिल चुका है लेवल 1 का की कार्ड, जो कि मतलब ठीक है यार, मैं मिल गया। ओ शिट, ये क्या है? अबे ये मर नहीं रहा है, ये खुद को वो कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। ओ नो, गिर गया। निकलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, तो निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। शायद अभी पीछे आ रहा है, पता नहीं अभी। तो गन्स वगैरह रिलोड कर लेना, कभी भी आ सकता है वो। यार हम यहाँ क्यों आ गए? तो आई थिंक हमें इस तरफ पता नहीं अभी जाना ही नहीं जाना। ओ ये फिर से आ गया, कोई मर ही नहीं रहा यार, भगना पड़ेगा ऐसे तो। ओ शिट, बहुत कम हेल्थ कर दी इसने हमारी, भगना पड़ेगा यहाँ से। ओ तो यहाँ पे शायद वो की कार्ड लगेगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी की कार्ड लगाते हैं पहले। ओ मुझे पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए। ओ यार ये बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है तेरी, तो अभी तुझे बताता हूँ। उसके लिए पहले मुझे स्विच पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो यार पावर ऑफ हमने कहाँ से किया था? हमने उस तरफ से पावर ऑफ किया था आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हमने कहाँ से। ओ ये रहा पावर ऑफ। सो हमने कर दिया पावर ऑफ, और अब हम शायद उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओ यहीं पे हो भी, बच गए, भगना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा, उसको अवॉइड करते हैं फिलहाल, कि मेरे पास इतनी एमोस भी नहीं है कि मैं उससे लड़ सकूं। तो ये हम आ गए इस तरफ, अब ठीक है शायद से। अभी हम जल्दी से इसे ओपन करते हैं पहले, तो यूज़ करते हैं। ओके तो ये हो चुका अनलॉक फाइनली। यार इसको मारना पड़ेगा ही, वो भारी रह गया अभी। चलो यार ठीक है, ये भी ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक मशीन है, अभी इसमें मुझे कार्ड डालने के लिए कह रहा है, अभी कार्ड डालते हैं। अभी
शायद उसके अपग्रेड वगैरह कर रहा है इसे। ओहो यार गाइस हमें यहाँ भी एक मिल गया, अपनी वाट लगने वाली है, पिटने वाले हैं। ओह शिट ये अजीब सा ही कुछ है, पता नहीं क्या, ये मर भी नहीं रहा है। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, तेरी तो बच गए बच गए। मेरी यहीं पे एमो खत्म हो गई है और अभी लग रहा है मैं जाने वाला हूँ। ओह आई थिंक अभी भी नहीं मरा है। तो मारना पड़ेगा जल्दी। ओह मर गया, आई थिंक मर गया। ओह मर गया मर गया मर गया, फाइनली यार हमने मार दिया। चाकू से मारना पड़ा इस थोड़ा। अभी अभी हमको की कार्ड ना मिल चुका है जो कि लेवल 2 का हो चुका है, और पहले मुझे हेल्प करनी पड़ेगी थोड़ी। और इससे आई पता नहीं इससे क्या ही होता है, शायद हाँ हेल्थ है, ये भी हेल्थ का ही है। तो मुझे थोड़ी सी अभी एमओ की ज़रूरत है, तो उसको पहले एमओ क्राफ्ट कर लेते हैं। मेरे पास सिर्फ यही एमओ बाकी है अभी इसकी, तो अपने को इसी से काम चलाना पड़ेगा। एमओ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो अपने को थोड़ी सी एमओ मिल गई है, चलो फाइनली चलो ठीक है, मतलब थोड़ी सी तो मिली। अभी यहाँ जल्दी निकलते हैं, क्या पता ये सारे जाग गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। और यहाँ भी कुछ है, ओ तो यहाँ पे एक लॉक्ड है, और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, तो अपन को शायद इससे भी करना पड़ेगा, इसे भी करते हैं। ओके तो अब ट्राई करते हैं एक बारी। सो आई थिंक ये हो चुका है, चलो यार हो गया चलो। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जा चुकी है, और अभी सामने शायद हमको कोई नई गन मिली है जो कि है LE5। अभी इसके लिए थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा क्योंकि अपना न्यू मेंबर आया है एक, थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए इसके लिए। तो चलिए जल्दी पहले से स्पेस क्रिएट करते हैं। ओके तो हमें मिल चुकी है एक न्यू गन, और जो मतलब अब चला के देखेंगे यार, मज़ा नहीं आ रहा इस गन पे। पहले एक बारी हम लोग पहले इसको शॉर्टकट पे थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। हमने इससे 4 पे लगाया, अभी नई गन मिल चुकी है यार, मतलब मस्त है। तो अभी चलना हमें वापस बाहर, और तुम्हें अगर याद हो तो हम जहाँ से आए थे मैप एक बार चेक करते हैं, तो हमको एक रास्ते में जो है कि एक गेट मिला था, हमको यहाँ जाना है और वो इस तरफ है। हमको ऐसे नहीं जा रहा, वो मॉन्स्टर अभी भी हमारे पीछे ही है। हम जल्दी से यहाँ पर कार्ड स्वाइप करते हैं क्योंकि इसके लिए लेवल 2 का कार्ड चाहिए, जैसे तुम देख सकते हो लेवल 2, तो हमारे पास लेवल 2 का कार्ड है तो हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो ये हम एंटर चुके हैं अंदर, और हमको एशली को बचाने के लिए लेवल 3 का कार्ड चाहिए, तो हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा फिर से। तो अभी अपग्रेड वाला शायद जो मशीन है वो हमको यहाँ मिलेगी नीचे। तो अभी यार यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, और बट यहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे बंदे हैं, एनिमीज़ हैं यहाँ पे। ये मुझे इससे पहले देख ले, इसको मैं सर फोड़ दूँगा इसका। ये मर चुका है आई थिंक, पर ये मरते नहीं यार, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये भी गया आई थिंक, या इसने आयरन पहना अपने सर पे जिसकी वजह से वो मेरे पे एमो ख़त्म हो गई। अब 4 वाली गन का यूज़ होने का टाइम आ चुका है, अपनी थोड़ी सी एमओ की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ी आराम से मारेंगे। चलो हो गया, पर डैमेज बहुत अच्छा है गन का, मज़ा आ रहा है चलाने में। तो एमओस वगैरह ले लेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी हमारे हर्बल वगैरह पड़ी है, हील्स वगैरह, हील्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर हमें मिला गन पाउडर, तो अभी इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, और ये कर लेंगे गन पाउडर को यहाँ पर। स्टोरेज होगी कंप्लीट, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ एमोस वगैरह मुझे और मिल गई, थोड़ी रैफल
एमओ। और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये और है, थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे एक लेवल 3 का कार्ड मांगेगा आई थिंक, यहाँ पे चाहिए मुझे लेवल 3 का कार्ड, और तभी हम एसली को भी एक्सेस कर सकते हैं उसके रूम को। और यहाँ पे हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से, और मुझे लगता है कि ये लोग जिंदा ना हो जाए, बस बस को थोड़ा डर लग रहा है थोड़ा सा। तो जल्दी जल्दी पहले तो आगे बढ़ते हैं, और ये बस जिंदा ना हो जाए तो बढ़िया है मतलब। तो यहाँ पे एक चीज़ है, और यहाँ पे हम अपग्रेड कर सकते थे, बट हमको यहाँ पे ओपन नहीं है, और मुझे इसके लिए रिन चाहिए जिससे हम इस बोल्ट को ओपन करके इस स्विच को ऑन कर सके। तो हमको यहाँ पे मेरा एक नया स्कोप जो कि मतलब मस्त लग रहा है यार देखने को। मुझे तो जो स्पेस बनानी पड़ेगी, जल्दी पहले स्पेस बनाते हैं। तो हमने कर लिया है स्कोप, और अभी इसके साथ ना इसको वो करना पड़ेगा, हमने तो हमने कर दिया। तो अभी हमारे पास ये आ गया अजीब सा एक स्कोप है, जो कि हम इनके इनसाइड इसके इनके अंदर देख सकते हैं, और हमको शायद इसको इनको मारना भी आसान हो जाएगा कैसे, क्योंकि हम इनके हार्ट देख सकते हैं, इनके पास दिल है और इसके पास अपना रेंज है जो कि हमको चाहिए। पहले इसके हमें हार्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। अभी सिर्फ हम लोग इनके अंदर देख सकते हैं वैसे। ओ शिट, बच गए। ये अपने फ़ोन को खाया था, ये मतलब फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। शायद हमने इसका एक और दिल जो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और अब लास्ट दिल जो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और मेरे पास बिल्कुल भी एमओ नहीं बची अब, बट मेरे पास थोड़ी सी एमओ है इसकी। ओ नो यार, ये अपने ऊपर ही गिर गया। मेरे को एमओ की ज़रूरत है अब, मेरे बिल्कुल भी एमओ नहीं बची, और थोड़ी सी हील्स वगैरह भी ले लेंगे। और अभी अपने क्या क्राफ्ट कर सकते हैं देखना पड़ेगा पहले। तो यार मैं कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकता, और मेरे पास थोड़ी बहुत एमओ बची है बस सबकी। यार ये फिर से दोबारा से रिपेयर हो चुका है पूरी तरह से, अंदर कूदना पड़ेगा। ओ शायद मर गया, चलो मर गया। और ये हमें मिल चुका है इसके अंदर से रेंज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह थे, यहाँ पे हमें थोड़ी सी हील वगैरह मिल चुकी है, और यहाँ पे कुछ है नहीं। तो जल्दी से रेंज से इसको बोल्ट को ओपन करते हैं, और अपना कार्ड जो है अपग्रेड करते हैं। यार पहले मैं सोच रहा हूँ, पहले थोड़े से ना ये ले लेते हैं एमएस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लेने के बाद शायद तो कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमने डाल दिया अपना कार्ड अपग्रेडिंग के लिए। ओ यहाँ पे फिर से वो लोग आ गए, मेरे को गलती से भी गोली जो है उसके अंदर नहीं मारनी है जो। ओ इसके ओ नो, मेरे पे बिल्कुल भी एमो नहीं बची अब। अभी इन सबको यार ये फिर से जाग गए, तो मानने पर हालत ख़राब होने वाली है अपनी। मैं जल्दी से मैं सोच रहा हूँ अपना कार्ड लूँ और निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यार ये तो इतनी जल्दी मरने वाले भी नहीं है। मैं अपनी एमोज वगैरह ले लूँगा जो मुझे ज़रूरत है। ओ शिट, निकलना पड़ेगा, उसने मुझे पकड़ लिया। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। बच गया, बच, भगो 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 भगो। अब हमें एशली किस तरफ मिलेगी, हमें ये देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये लैब है, और एशली हमें किस तरफ मिल सकती है, हमको इस तरफ मिलेगी। तो मुझे यहाँ से जाना है स्ट्रेट, वो भी इस तरफ। तो ये शायद वो जगह है जहाँ पे एशली बंद है, और मुझे इनसे लड़के जो जाना पड़ेगा। तेरी तो हट, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, और यहाँ से पहले मुझे कार्ड स्वाइप करके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना ओपन, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि जैसे कि तुमने देख लिया बहुत सारे हो चुके हैं। मैप चेक कर लेंगे, हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ।
यहाँ पे हीलिंग्स वगैरह मुझे थोड़ी सी मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा गेट था, तो मैं याद होता एक साइड का पे गेट जो है लॉक्ड था, जहाँ से हम जा नहीं पा रहे थे। तो ये रही एशली अपनी, और जल्दी से यहाँ पर कार्ड स्वाइप करते हैं और एशली को आज़ाद करते हैं। ओके, तो हमने जैसे तैसे जो है एशली को उठा लिया है, और उनने यहाँ पे एशली को बांध रखा था। यार एशली का वो जो भी इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे तुम्हें दिख ही रहा होगा उसकी पूरी ब्लैक लाइनिंग वगैरह हो चुकी है, और उन्होंने इसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से जाग नहीं रही है। तो ये उसका एंटीडोट है जो हमें लुइस से मिला था, शायद ये सब ठीक हो जाएगी। ओ ये काम कर गया, मे बी अब एशली ठीक हो चुकी है, बट पूरी तरीके से नहीं हुई हुई होगी। और हमको अब यहाँ से निकलना भी है। ओ अब ये चीज़ हम पे जो असर करने लग गई है, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो बीमारी जो एशली को है, जो बीमारी नहीं आई मीन मतलब जो पैरासाइट एशली के अंदर है, वही हमारे अंदर भी है, लियोन के अंदर। हमारे पास एक ही एंटीडोट था तो जो हमने एशली को दे दिया है, और अभी पता नहीं हम कैसे बचेंगे। सो गाइस ये हो चुका है चैप्टर एंड। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।